वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम ब्लॉग्स। तो आज की इस वीडियो में ऐसा ही ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग हम बनाना सीखेंगे, पर उससे पहले आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग को आप अपने घर पर ही वेस्ट मटेरियल से किस तरह से बना सकते हैं आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सो हेलो गाइज, वेलकम टू एक्स्ट्रा टाइम ब्लॉग्स। तो मैं हरलीन आज आपके लिए एक नया DIY लेकर आई हूँ, जिसमें आप घर पे पड़े हुए किसी भी वेस्ट मटेरियल से एक बहुत ही प्यारी डेकोरेटिव मिरर बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस मिरर को बनाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल चाहिए। तो इसके लिए मैंने ये डेकोरेटिव मिरर एक मेरे पास पड़ा हुआ था वो लिया। आपके पास कोई सा भी हो आप वो ले सकते हैं। और ये एक फॉर्म का शीट है मेरे पास, ये फ्लिपकार्ट की पैकिंग में से निकला हुआ है, मेरे पास वो पड़ा हुआ था। एक सीजर चाहिए आपको, एक ये फेविकोल का डिब्बा, ओके। और इसमें कुछ मेरे पास पर्ल्स पड़े हुए हैं जिनका मैं यूज करूंगी। ये वेस्ट पड़े हुए थे मेरे पास, पर लेकिन इनका बहुत अच्छे से यूज किया जा सकता है। एक ये ऑल पिंस हैं, ऐसी ऑल पिंस चाहिए होंगी आपको ऐसी। और कुछ पर्ल्स चाहिए होंगे मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ वेस्ट पर्ल्स मेरे पास पड़े हुए हैं। और ये कुछ छोटे और भी पर्ल्स पड़े हैं, ये सब वेस्ट मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है। इनसे देखिए मैं कितना प्यारा मिरर बनाना आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। paste it over here. अब मैं ये ऑल पिंस लूंगी इसमें से, और जो मेरे पास पर्ल्स हैं वो लिए लूंगी मैं। ये पर्ल्स है मेरे पास और ये ऑल पिंस, ये सिर्फ वेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था सामान, तो मुझे लगा शायद इससे बहुत प्यारा एक डेकोरेटिव मिरर तैयार हो सकता है वॉल हैंगिंग। तो हम सबसे पहले इसमें एक मैं छोटा सा पर्ल डालूंगी। देखिए इस पिन में डाला है मैंने स्मॉल पर्ल, यू कैन सी। फिर ये व्हाइट पर्ल जो मेरे पास है इसको ऐड करेंगे, एंड देन अगेन वी विल एड सम ऑफ द स्मॉल पर्ल्स दैट आई हैव, दी स्मॉल पर्ल्स। सो आई एम एडिंग 4 ऑफ द स्मॉल पर्ल्स आई थिंक। सो ऐसी पिन एक रेडी हो जाएगी मेरे पास लाइक दिस। अब इस पिन को ध्यान से आप अपने मिरर के इधर जो आपने फॉर्म लगाया है इसके अंदर सिक्योर कर दीजिए इजीली, इट विल गो इन द फॉर्म। देखिए ऐसे ऐसा ही अब हम चारों तरफ बनाएंगे। अब मैं इसमें क्या करूंगी, जो ये स्पेसेस मैंने छोड़े हुए हैं इनमें एक एक पर्ल और ऐड करूंगी। आइए देखिए कैसे इस तरह से मिरर बन जाएगा अब ये पूरी तरफ से इसकी बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद। और फ्रेंड्स मेरे पास ये दो लटकन पड़े हुए हैं, अब मैं इनको इस मिरर के ऊपर एज अ डेकोरेटिव आइटम यूज करूंगी। इनको मैं इस मिरर पर बैक साइड से इन दोनों लटकन को इस तरह से हैंग कर दूंगी। मैं शो यू लाइक दिस, इस तरह से हम इन दोनों लटकन को नीचे हैंग कर देंगे। थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा कर देते हैं दोनों पर, दिस वे यू कैन हैंग।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मिरर अब मैंने इसको हैंग कर दिया वॉल पर, ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यू कैन सी इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड इट कॉस्ट मी जीरो। मैंने सिर्फ इसको वेस्ट मटेरियल से ही बनाया है। ओके।